यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद व कोविड-19 की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही। ऐसा ही एक मामला मथुरा जनपद के नौजील थाना क्षेत्र से प्रकाश में आया, जहां पर मतदाताओं को खुलेआम वीआईपी तरीके से भोजन कराने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस को देख प्रत्याशियों और समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के मुडलिया गांव में रालोद समर्थित प्रधान पद के प्रत्याशी सोनू चौधरी अपने समर्थकों के साथ खेत में खुले में बिना अनुमति के मतदाताओं को रिझाने के लिए दावत दे रहा। सूचना पर पुलिस इंस्पेक्टर लोकेश भाटी मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि पुलिस को देखकर प्रत्याशी व समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मियों के चोटें आने की सूचना है। पुलिस पर हमले व पथराव की सूचना मिलते ही एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर एसपी देहात फोर्स के साथ घटनास्थल की तरफ दौड़ लिए, जिसके बाद गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं एसएसपी मथुरा ने बताया कि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही, साथ ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से मनीष शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जानकारी पर पुलिस यहां पर पहुंची, इनको इस बारे में हिदायत दी गई, परंतु इनके द्वारा हिदायत ना मानते हुए पुलिस का विरोध किया गया, अभद्रता की गई और कुछ पथराव भी किया गया है। पुलिस द्वारा और फोर्स यहाँ पर पहुँच कर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। अभी यहाँ पर शांति व्यवस्था व्याप्त है। इस घटना में जिन भी व्यक्तियों ने किया है उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना को जिला पुलिस द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। किसी भी पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता बहुत ही गंभीर विषय है और इस संबंध में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। काफ़ी लोगों को चिन्हित किया गया है, जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होंगे। पुलिस द्वारा इस समय पर बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में काम किया जा रहा है। कोविड का भी समय चल रहा है, पुलिस के साथ इस तरह की अभद्रता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी लोगों पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। मुकदमा लिखने के बाद अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी गिरफ्तारी हुई है अभी तक? देखिए, अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे जारी है और जैसे जैसे और तथ्य सामने आएंगे, जो जो व्यक्तियों के नाम सामने आएंगे, जो जो व्यक्ति चिन्हित किए जाएंगे, इनके समर्थक, इनके साथी जो रहे हैं और जिन जिन व्यक्तियों ने जो किया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई। सर, पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? देखिए, कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई है, उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल करवाने के उपरांत मेडिकल